सर्व सांझी वालता दे प्रतीक समुची मानवता दे कल्याणकारी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दा निरादर होया जी। उन्हां दी हजूरी च बैठे गुरसिखां दीआं दस्तारां लाईआं गईआं उंदी दी जिहड़ी आप जीआं ने कीती आ मन ते बुद्धि कह के अक्सर छड्ड दित्ते जांदे ने। एसएसपी दे गल पै जाए किसी आम पुलिस दे गल पै जाए कि इन्हां ने कदी मन ते बुद्धि कह के उहनूं कानून मुताबक माफ कीता जी। जे इथे नी कीता ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब वारी क्यों कीता जा रहा है। और भी उन्हें घटना नू सर अंजाम दिता इथे भी उसे बंदे ने ये सर अंजाम दिता आ घटना तो सीखना किवें है। जे मंग नहीं कर रहे मते पास नहीं कर रहे कि एक कानून जेड़ा 295 ए बनिया आ उन्हों बदल के मौत की सजा फांसी की सजा च तब्दील किया जाए। बीते कल एक बहुत मंदभागी घटना वापरती है। गुरु साहब की बेअदबी की कोशिश की जाती है तो इस मंदभागी घटना तो बाद पुलिस प्रशासन के वलों वड्डा खुलासा करदिया किया जाता है कि जिस व्यक्ति दे वलों गुरु साहब की बेअदबी करन की कोशिश की गई वह व्यक्ति मैंटली अपसैट है या कह लो कि वह दिमागी तौर के उत्ते परेशान है। इस करके उस दे वलों अजे ही मंदभागी घटना अंजाम दिता गया। अपने नाल बलदेव सिंह वडाला जी मौजूद है, उन्होंने गलबात कर लेनी है इस विषय के उत्ते कि किस तरीके दे नाल देखते हैं वो इस वड्डी मंदभागी घटना। सत श्री अकाल वडाला साहब। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। जी वडाला साहब, बीते कल एक बहुत ही मंदभागी घटना वापरी है, गुरु साहब की बेअदबी करने की कोशिश की गई है, इस पूरी घटना को कैसे देखते हो? पहली गल इस घटना उवें ही वेखदा आ जिवें समुची मानवता वेखदी है। ये एक सर्व सांझीवालता दे प्रतीक समुची मानवता दे कल्याणकारी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दा निरादर होया जी। उन्हां दी हजूरी च बैठे गुरसिखां दीआं दस्तारां लाईआं गईआं, उन्हां दी मार कुट कीती गई सणे जुत्तियां, उह बंदा किहड़ी हालत विच अंदर आउंदा आ, इह बड़ी ही हिरदे वेदक वाली गल है जी। घटनावां दा वार वार वापरना, इन्हां दा रुकना ना ते दोषियां नूं सजावां ना होणियां उदों वी वध हिरदे वेदक है जी। दूसरी गल मंद बुद्धि दी जिहड़ी आप जीआं ने कीती आ, मंद बुद्धि कह के अक्सर छड्ड दित्ते जांदे ने जी। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏ ਜੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि प्रोफेसर भुल्लर साहब जेड़े जेल च बंद ने वो मानसिक तौर ते ठीक नहीं जी। वो मेडिकल रिपोर्ट और कई दहाकियां तो नू बंद कीता होया नू छड नहीं रहे जी। इधर जेड़े फड़दे ने उन्हां नू मंद बुद्धि कह के छड रहे ने जी। फिर और वो जेड़े बंदे ने बेअदबी कीती आ वो बाबा शिंदर सिंह जेड़े दिल्ली वाले बाबा गुरबचन सिंह आ उन्हां दा प्रबंध है जी। परमात्मा सिंह इन्हां दा ए सारियां दा ओ बंच विच रिश्तेदार है और पहला भी उन्हें लोकां दे मोटरसाइकिल भन्ने दुकानां तोड़ियां जी। उस वक्त भी इन्हां ने उन्हूं छड़ाया भी आ, उहदे लई सारे प्रबंध जी। होर भी उन्हें घटना नूं सर अंजाम दिता, इत्थे भी उस बंदे ने यह सर अंजाम दिता आ, जे अजे भी उन्हूं मंद बुद्धि कह के छड़िया जा रहा है तो फिर साफ है कि मंद बुद्धि ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੋਲਕ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਰੋ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, सरकार जुम्मेवार है जी। और वड्डी गल 328 स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चोरी होने दरबार साहिब दे प्रबंध चों
जी फिर उथे बेअदबी होनी निरादर होना जी। ते जदों सरकार चोरां नूं पुछण लग जे 30 महीनियां तों मैं बैठा आ ते फिर इत्थे जे लॉ एंड ऑर्डर दी कोई परवाह नहीं कीती जा रही, जमहूरीयत दी बली लई जा रही आ, मर्यादा दी ओदियां धज्जियां उडाईयां जा रही ने, फिर मंद बुद्धि ओदी जगह इदों वड्डे मां जी सर गुरुद्वारे दे प्रबंधक जेड़े वार वार उथे ने ते चौथे असी किते ना किते ओ भी कसूरवार आ जेड़े हुण अज उथे खंड पाठ रखणगे जी, परसों भोग पा के सारे अपने घरां नूं पश्चाताप चले जाणगे और ए कोई नहीं सोचेगा भी इन्हां घटनावां नूं रोकणा किवें है, घटना तों सिखणा किवें है, घटना नूं पूरियां किवें करना है ते अग्गे वास्ते सुरक्षा होंद नूं बरकरार किवें रखणा है, इहदे बाबत किसे दा कोई ख्याल नहीं। इस लई इहदे लई गुरुद्वारा प्रबंध जिम्मेवार है और हुण तक जे प्रशासन श्रोमणी कमेटी ए जथेदार ए संत समाज जी जे मांग नहीं कर रहे, मते पास नहीं कर रहे कि एक कानून जेड़ा 295 ए बनया आ उन्नू बदल के मौत दी सजा फांसी दी सजा च तब्दील कीता जाए जी। और जेड़ा लाइव बंदा इसे तरह फड़िया जांदा आ ओदिया वीडियो नू रख के ओदा वखरा जज बैठे जेड़ा 24 घंटिया च उन्नू फांसी दी सजा सुनावे। वडाला साहब इत्थे एक सवाल है कि हर बार बेअदबी दियां घटनावां हुंदियां ने ते हर बार जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं मेंटली अपसेट कह के छड़ दिता जांदा है ते बार बार सिखी नूं टारगेट करन दी कोशिश क्यों कीती जांदी, किस दा हत्थ वेखदे हो इस सब दे पिछे? ये हत्थ तां इन्हां अपणियां दी है जी, की जी नूं दोष कहदा जी, पैसा अपना खोटा जदों तुहाडा अपना ही प्रबंध घर दे जी बेईमान हो गए ने जी, जना खाना बाहरों आके थोड़ी पग ला के लै जांदा आ ते कदे जदों तुसी खुद अपने आप च सुरखुरु सी जी ओदों काबल कधार दियां कंधां अफगानन दियां वी ओह वी किते ना किते तुहानूं मनदियां सीगियां कि हरी सिंह नलूए बैठे जी। इस लई जिम्मेवार कौन है? भ्रिष्ट तरां दे अफसरशाही जी, गुरु घरां च महंत जिन्हां नूं सिर्फ ते सिर्फ गोलक नाल चौधर नाल ते पैसे नाल प्यार आ, उहनां नूं गुरु घर दी मर्यादा नाल कोई मतलब नहीं जी। वडाला साहब इत्थे एक सवाल होर पुछना चाहांगे, जिद्दां बेअदबी दी घटना वापरदी है उस तों बाद रोड जाम कीता जांदा है, जदके रोड दे उत्ते कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, हर किसे दा रोड है ते आम लोकां नूं जिहड़ियां परेशानियां हो रहियां उस बारे की कहना चाहोगे? रोड जाम तां करने पैंदे ने कि ला एंड ऑर्डर दी इत्थे कोई मैनूं दिस नहीं रिहा भी इत्थे कोई इहदे नां दी चीज हैगी है जी, जे हुंदी ते फिर मेरे वर्गे नूं वी 30 महीने उत्थे प्रदर्शन करन लई क्यों बहना पैंदा जी। इस लई ला एंड ऑर्डर जो जागत जोगत गुरु ग्रंथ साहिब जी एक्ट आ जां होर धरावां ने ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਨੂੰ ਡੀਕਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਸਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੂਏ ਪੀਏ ਸੁੱਟੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੂਏ ਪੀਏ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੋਟ ਵੋਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਐਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਕਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ
ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ।